नमस्कार एंड स्वागत है सभी फैंटेसी प्लेयरों का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करेंगे दी 100 मैच नंबर 7। देखो आज के दिन मुकाबले दो होने वाले, एक तो आपके 7 बजे होगा, एक का बाद 10:30 बजे। मैं नाइट वाला मुकाबला कवर कर रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। और आपको 7 बजे वाले मैच के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन टेलीग्राम के द्वारा बता दी जाएगी दोस्तों, वहाँ पे मतलब प्लेइंग 11 को पता चल जाती है। स्मॉल की टीम और कुछ ऐसे लो सिलेक्शन प्लेयर जो कि आपको पिक करना चाहिए है ना, वो जरूर मैं बता दूंगा आफ्टर टॉस, जरूर मैं आपको अपडेट कर दूंगा टेलीग्राम में। तो कृपया करके सबसे पहला काम आपका यही बनता है कि आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो दोस्तों, क्योंकि आपको जैसे लाइनअप आए तो कोई दिक्कत ना हो प्लेयर को सिलेक्शन करने में। आपने देखो कल के मैच में हरीश रावत ने अच्छा किया था है ना, अगेन वहाँ पे जॉर्डन कैप्टन बने थे, लेकिन मैंने कहा था भाई जॉर्डन कैप्टन नहीं बनेंगे, मैं उनको बना भी नहीं रहा हूँ। लेकिन वहाँ पे देखो स्लाइटली डिफरेंट था, कोई ज़्यादा इतना डिफरेंट नहीं था, मेजरली 10 पॉइंट का डिफरेंट था किसके बीच में, हरीश रावत और यहाँ पे क्रिस जॉर्डन के बीच में। इंपॉर्टेंट होता है अपना कैप्टन, तो अब हरीश रावत को भी कैप्टन करते तो आपकी शानदार टीम बन सकती है दोस्तों, ठीक है ना। वैसे आज हम बात करेंगे कि देखो बर्मिंगम का तो पहला मुकाबला था, वो आपको पता है एबोर्डेंट हो गया था, मतलब कि बारिश के चलते मैच रद्द हो गया था है ना। तो उनकी टीम ने अभी तक एक मुकाबला में नहीं खेला है, लेकिन ट्रेंट रॉकेट्स ने एक मुकाबला खेली है। वहाँ पे भी ऐसे प्लेयर हैं जिनको पिक जनता पिक नहीं कर रही है, लेकिन आपको पिक करनी है और आप शानदार टीम बना सकते हो दोस्तों। सिंगल कैप्टन वाला प्लेयर है अभी, मतलब देखो एक मैं बात कर रहा हूँ डेड मिलान की दोस्तों, आपको स्टार्टिंग में बता देता हूँ। एक ऐसा प्लेयर है स्टार्टिंग का जो मतलब कि कभी भी सीरीज खेलता है या फिर कोई भी लीग खेलता है ना, स्टार्टिंग के 3 से 4 मैच में मिलान इतना अच्छा नहीं करता, लेकिन जो बचे हुए मुकाबले होते हैं दोस्तों वहाँ पे नॉट आउट ही रहता है। इनका रिकॉर्ड उठा के देख लो, अब इनका रिकॉर्ड मानो चाहे लक मानो चाहे इनको खेलना पसंद हो है ना, ये उनके ऊपर डिपेंड है। लेकिन अपन फैंटेसी में अपन ऐसा नहीं पता कर सकते ना, ये तो कन्फर्म है कि आज ही चलेगा। तो अपन को सिंगल कैप्टनसी के लिए तभी कहता हूँ जब भी कोई नई सीरीज स्टार्ट होती है, नई लीग स्टार्ट होती है, तो वहाँ पे आप ना हर टीम के 3 से 4 प्लेयर पिक कर लिया करो कि भाई मैं यही प्लेयर रखूँगा CVC का, चाहे मतलब कि ये कितना भी स्कोर करे, चाहे कितना भी लो स्कोर करे, मैं इनको ही पिक करूंगा है ना, चाहे इनका रिकॉर्ड कितना ही ख़राब हो चाहे कितना ही भी अच्छा हो दोस्तों, ठीक है ना। तो उसे कहते हैं ग्रैंड लीग की टीम बनाना दोस्तों। स्टेट्स को देखिए, यदि आप टीम बनाओगे तो मेरे हिसाब से लगता है कि आपकी टीम बन पाएगी, लेकिन वो जो मतलब कि सिचुएशन क्या होगी वहाँ पे क्लैश हो जाएगा दोस्तों, पहली बात होगी। क्योंकि दोस्तों देखो जितने भी आपको स्टेट्स मिलेंगे ना, वो अच्छे स्टेट्स प्लेयर वाले हैं, वो सबको सब प्लेयर पिक करेंगे। जैसे कि आपको पता है एलिक्स हेल्स है ना, इनको सब पिक करेंगे, लेकिन बेनी होवल इनको जनता पिक नहीं करेगी दोस्तों। क्यों नहीं पिक करेगी, क्योंकि इन्होंने लास्ट मैच में खेले थे लेकिन मैच अबोर्डेंट हो गया था, और उनका लास्ट दी 100 इतना अच्छा नहीं किया था। लेकिन आपको पता बेनी होवल बहुत ही शानदार ऑलराउंडर है दोस्तों, बांग्लादेश प्रीमियर लीग भी खेल चुके हैं, मतलब ये अच्छे ऑलराउंडर है। तो सारी बात करेंगे दोस्तों, उससे पहले चलते हैं अपन टेलीग्राम चैनल पर। दोस्तों ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, कृपया करके यहाँ पे आके आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, और जो चीज़ मैंने बताई है वो इसी टेलीग्राम के अंदर आपको अपडेट कर दी जाएगी। तो कृपया करके आप टेलीग्राम प्लस सॉफ्टवेयर की लिंक आपको कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी दोस्तों, तो वहाँ पर जाके आप ज्वाइन कर लो। तो अब आते हैं अपने नोट्स पर, बात करते हैं पिच रिपोर्ट की, सारी बात करते हैं दोस्तों। यहाँ पे बात करते हैं एडबेस्टन बर्मिंगम की, मतलब कि होम ग्राउंड रहेगा यहाँ पे बर्मिंगम फोनेक्स का, जहाँ पे देखो लिविंगस्टन नहीं खेले थे लास्ट मैच में, हो सकता है कि वो अवेलेबल ना हो या फिर कोई इश्यू हो चुका हो वो सॉरी दोस्तों, यदि वो खेलते हैं तो आपको पता है वो उनकी जगह बाहर कौन होंगे, डी माउसली है। देखो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे ना, आपके डी माउसली ये बाहर हो जाएंगे, जोनाथन जी बेटल है ये बाहर हो जाएंगे, जे स्मिथ बाहर हो सकते हैं, इनकी जगह लिविंगस्टन आ जाएंगे दोस्तों। बस सिंपल सी बात है, और मेरे सबसे कोई बड़ा बदलाव नहीं होने वाला है। और यहाँ पे अपन बात करते हैं 8 मैच में क्या हुआ है। देखो लास्ट सीज़न यहाँ पे 8 मैच खेले गए थे, मतलब कि 2 सीज़न हो चुके हैं दी 100 के। तो यहाँ पे देखो 37% पहले बैटिंग, मतलब कि अभी के समय है ना आपको यही फोकस करना है कि मेजरली आपको जो टीम चेस कर रही है ना उनके भीतर आपको टीम बनानी है दोस्तों, है ना। पहली बात तो ये, यहाँ पे देखो पेसर को ज़्यादा हेल्प है, देखो 65% है, मतलब कि यहाँ पे स्पिनर को पिक करो, CVC ना बनो, आप अन को ना प्लेयर को पिक कर लो जहाँ पे लो सिलेक्शन स्पिनर है ना। जैसे कल के मैच में देखा गया था ना, रियान अहमद लो सिलेक्शन थे, उन्होंने 2 विकेट निकाली दोस्तों, है ना। तो ऐसे ही होता है कि जो बॉलर को विकेट नहीं मिलता है ना, तो वो अपने मतलब कि 100% देने की कोशिश करता है कि भाई मैं विकेट पिक करूँ, तो उसको विकेट मिल जाता है दोस्तों, सिंपल सी बात है, ठीक है। ये तो थी अपनी विकेट स्प्लिट प्लस टॉस बेनिफिट की। अब हम बात करते हैं अपने हाई सिलेक्शन और लो सिलेक्शन। देखो दोस्तों आपके साथ में टोटल 11 प्लेयर है जहाँ पर जनता इनको पिक कर रही है ना, लेकिन आपको गलती ऐसी नहीं करनी है, आपको यहाँ पे मात्र 7 प्लेयर पिक करने हैं। अब कौन से पिक करने हैं वो आपके ऊपर डिपेंड है, अभी के लिए आपको बता देता हूँ। कीपिंग सेक्शन में आप TKC को पिक कर लो, बैटिंग साइड से आप है ना बेन डकैट और सैम हेन या फिर एलेक्स हेल्स, इन तीनों में से ना 2 को या फिर 1 को ही पिक करो, है ना दोस्तों। मेरे को जानता लगता है तो आप बेन डकैट को पिक कर लो, यदि बर्मिंगम फोनिक्स को मतलब उनके 6 या 7 वाले पिक करे हो, यदि आप
टीआरटी के ज़्यादा प्लेयर पिक कर रहे हो तो आप एलेक्सेल सेम है में से किसी को पिक कर सकते हो दोस्तों। इन तीनों में से दो या फिर एक को ही पिक करना है दोस्तों, तीनों को पिक नहीं करना है। बात करते हैं ऑलराउंडर साइड से, सदाब खान, इमाद वसीम, डेलिन सेम्स, लुइस ग्रोगरी। तो मेरे हिसाब से सदाब खान और ग्रोगरी अच्छा कर सकते हैं। देखो इमाद वसीम सेम्स बहुत ही शानदार ऑलराउंडर है दोस्तों, है ना, लेकिन मेरे को जानता लगता है कि आज के मुकाबले में ग्रोगरी और सदाब खान अच्छा कर सकते हैं या फिर ग्रोगरी और सेम्स अच्छा कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, आज स्पिनर्स को थोड़ा कम ही ट्राई करना दोस्तों, जो कि हाई सिलेक्शन स्पिनर है उनको आप ड्रॉप कर देना। एडम मिल ने, केन रिचर्डसन, लुकवुड, इनको जनता पिक कर रही है। इनमें से भी आपको दो को पिक करना है, जैसे कि सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन है केन रिचर्डसन प्लस लुकवुड, इनको आप CVC भी कर सकते हो दोस्तों। जैसे कल के मैच में थे ना हरीश रोफ और आपके क्रिस जॉर्डन, ऐसे आप यहाँ पर ट्राई कर सकते हो दोस्तों लुकवुड और केन रिचर्डसन। ठीक है, ये थे आपके हाई सिलेक्शन, ये है आपके लो सिलेक्शन। यहाँ पे आपको पांच या चार प्लेयर पिक करें। कीपिंग साइड से बेंजामिन स्मिथ, जो भी टॉप ऑर्डर में बैटिंग करे उनको पिक करो, अन्यथा ड्रॉप कर दो जहाँ पे आप दो कीपर सेलेक्ट कर रहे हो ना उसमें दोस्तों। बात करते हैं बैटिंग साइड से, कोलिन मुनरो, डेविड मिलान, बेथल और स्मिथ। देखो सबसे दो बेस्ट पिक है यहाँ पे डी मलान और विल स्मिथ, भाई बेस्ट पिक है। CVC का प्लेयर बन सकते हैं, डेविड मिलान कैप्टन, वाइस कैप्टन W स्मिथ, शानदार CVC बन सकते हैं। और मलान सिंगल कैप्टनसी वाला प्लेयर आज बन सकते हैं दोस्तों, हो सकता है नेक्स्ट मैच बन जाए, लेकिन आपको इनको जरूर पांच टीम में इनको जरूर कैप्टन बनाना दोस्तों। किसको? डेविड मिलान को दोस्तों। बात करते हैं ऑलराउंडर साइड से, बेनी होल, माउसली, हो सकता है कि बेनी होल पिक करे, माउसली को ड्रॉप कर दो। हेलम, कुक और कार्टर, हेलम सबसे बेस्ट है, हेलम यदि पहले बॉलिंग करते तो हेलम, अन्यथा आप मैथ्यू कार्टर या फिर एस कुक के साथ में जा सकते हैं दोस्तों। ठीक है, ये तो होगी अपनी हाई सिलेक्शन लो सिलेक्शन की बात। अब हम बात करते हैं अपने CVC की। ये अपने कैप्टन रहेंगे यहाँ पे बेन डकेट, कोलिन मुनरो, डेविड मिलान, एडम मिलने, केन रिचर्डसन और लुकवुड, जो मैंने बताया था कि भाई लुकवुड और रिचर्डसन। देखो सबसे बेस्ट पिक यहाँ पे मेरे को डी मिलान लग रहा है, सबसे बेस्ट पिक मिलान और यहाँ पे केन रिचर्डसन है, और दूसरा प्लेयर मेरे को नहीं शो कर रहा हूँ। और बात करते हैं यहाँ पे VC की, TKC, विल स्मिथ, बेनी होल, लुइस ग्रोगरी और टी हेलम दोस्तों। ठीक है, तो ये अपने CVC का बेस्ट प्लेयर बन चुका है दोस्तों। अब हम बात करते हैं अपने कितने क्रेडिट की आपको टीम बनानी है, जो कि आपकी टीम अच्छी खासी बन सकती है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे आप बर्मिंघम फोनिक्स को अभी फोकस कर रहे हो, फिर इनको फेवर कर रहे हो, तो आपको 84 की टीम बनानी है, और ट्रेंट रॉकेट्स की आपको 86 की टीम बनानी है। कहने का मतलब ये है कि आपको 84 से लेकर 86 के बीच में आपको टीम बनानी है। ग्रैंड लीग भी इन्हीं के भीतर ही ड्रीम टीम बनेगी दोस्तों, ठीक है ना। जाके चेक कर लेना आफ्टर, जैसे ही मैच खत्म होता है, आप ड्रीम टीम का क्रेडिट और हम मैंने जो वीडियो में बताया है उतना क्रेडिट की टीम बनी है फिर नहीं बनी है, बस 0.5 का डिफरेंस आ सकता है, उससे ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा दोस्तों। ठीक है, कॉम्बिनेशन की बात करें दोस्तों, तो 2-3-3, 1-4-3-3, ये दो कॉम्बिनेशन अपन ट्राई करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो ये तो अपनी सॉरी नोट्स के बाद पोस्ट बेनिफिट मैंने सब कुछ बता दिया है, बस आपको ना शांत दिमाग से टीम बनानी है दोस्तों। और ये जो आप है ना, मतलब कि आपके जो आपके पास यदि डबल फ़ोन है तो उनमें आप इसकी स्क्रीनशॉट शेयर कर लो, और उस फ़ोन में देख देख के, और या फिर हो सकता है कि आफ्टर लाइनअप कोई बदलाव होता है तो आप क्या क्या करो, 50% का अलग और 50% का अलग, मतलब बिलो और हाई लेवल के प्लेयर को आप अलग अलग सेपरेट कर दो, और उनमें से आप ना दूसरे स्मार्टफोन या आपके पास में लैपटॉप PC है तो वहाँ पे आप देख के भी आप पिक कर सकते हो दोस्तों। यदि आप ऐसा पॉसिबल नहीं होता है तो आप सॉफ्टवेयर का प्रयोग करें, है ना, सॉफ्टवेयर में आप फिल्टर अप्लाई कर लो, वहाँ पे फिल्टर में अप्लाई कर दो, भाई मेरे को है ना बैटिंग साइड से बेन डकेट चाहिए, डेविड मिलान चाहिए, ऑलराउंडर से मेरे को ग्रोगरी चाहिए, लुकवुड चाहिए और रिचर्डसन चाहिए, तो आप ऐसे फिल्टर अप्लाई कर सकते हो दोस्तों। ठीक है, तो हम आते हैं अपने सॉफ्टवेयर पर और टीम क्रिएट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप आ गए अपने सॉफ्टवेयर पे, और यहाँ पे अपन मैच को सेलेक्ट कर लेते हैं। और दोस्तों मैच में आगे बढ़े उससे पहले आपको चीज़ बताना चाहता हूँ कि आप सॉफ्टवेयर के बारे में आपको यदि इतना ज़्यादा कुछ पता नहीं है तो आप यहाँ पे आके मतलब कि हर एक चीज़ के बारे में पता कर सकते हो कि भाई इस वेन्यू पे कौन सेक्शन का प्लेयर ज़्यादा कैप्टन बन रहा है, जैसे कि विकेट कीपर, बैटिंग, ऑलराउंडर, बॉलर, ये चार ही सेक्शन होते हैं ना, चार में से ऑलराउंडर और बॉलर ज़्यादा बन रहे हैं कि बैट्समैन ज़्यादा बन रहे हैं, उसी की बिहाफ से आप CVC ट्राई किया करो, तो आपके लिए ना प्रोसेस होता है कैप्टन का सिलेक्ट करने का, वो इजी बन जाता है। मतलब कि आप कभी भी आप D100 का मुकाबला खेलो ना तो आप क्या करोगे, हमेशा मैं कैप्टन ना सिर्फ ऑलराउंडर का बनाऊंगा, है ना, एक लॉजिक होता है दोस्तों, है ना, माइंड सेट होता है ग्रैंड लीग खेलने के लिए कि भाई मेरा कैप्टन हमेशा ऑलराउंडर रहेगा, चाहे ऑलराउंडर 6 खेलो चाहे 2 ही ऑलराउंडर खेलो दोस्तों, है ना। तो उसमें क्या होता है कि आपको उसी पर ना जो बचे 6 से 5 प्लेयर होते हैं ऑलराउंडर के मैक्सिमम, उन्हीं में से आपको ना कैप्टन सेलेक्ट करना होता है, और उनमें से आपको पता है जो प्लेयर अच्छा कर रहा है उसी को आप कैप्टन करोगे, तो आपके लिए बेटर पिक बनेगी। ऐसी बात अदर सेक्शन के लिए होती है, जहाँ पे बैटिंग की बात करें और बॉलिंग सेक्शन की बात करें तो वो चीज़ है। तो यहाँ पे जो भी डाटा है ना आपको यहाँ पे रिसर्च ऑप्शन में मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है,
अभी मैं लेट हो रहा हूँ इसलिए मैं आपको डायरेक्ट मतलब जो प्लेयर लास्ट मैच में खेले थे मैं उन्हीं को सिलेक्ट कर रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। हो सकता है कि लिविंगस्टन खेल ले, है ना, वो तो मामूली बदलाव हो सकते। देखो बेटल बाहर हो जाएंगे और लिविंगस्टन खेल सकते हैं क्योंकि लास्ट मुकाबले में पता होगा बर्मिंघम फोनेक्स का मैच आपको पता है रद्द हो गया था दोस्तों, ना इम्पोर्टेंट हो गया था उसके चलते भी। तो भाई यहाँ पे होगी अपने 11 प्लेयर की सिलेक्शन। अब हम यहाँ पे बात करते हैं एडवांस सिलेक्शन का दोस्तों, ठीक है। देखो ग्रैंड लीग और स्मार्ट सिलेक्शन में क्या करना पड़ता है। देखो स्मार्ट में आपको पिच की कंडीशन बारे में पता है कि भाई पिच क्या है। देखो दोस्तों पिच के बारे में कैसे पता करो, जो जो टीम चेसिंग में अच्छा कर रही है ना तो वहाँ पर ये चीज़ समझने की कोशिश करो कि यहाँ पे ना पिच है ना बैलेंस है, बैलेंस नहीं है यहाँ पे पिच बॉलिंग पिच है। क्योंकि जो टीम जीत रही है वो पहले बॉलिंग करना पसंद करेगी क्योंकि यहाँ पे पावर प्ले के अंदर है ना बॉलर्स को हेल्थ मिलती है, तभी तो वो टीम पहले बॉलिंग करती है और उसका बल्लेबाजी सेक्शन बहुत ही स्ट्रांग होता है तो वो रन को चेस्ट डाउन कर देते हैं। तो वहाँ पे आप बॉलिंग सेक्शन सेलेक्ट करो। अब यहाँ पे स्ट्रांग टीम कैसे सेलेक्ट करने, जो टीम यहाँ पे टॉस जीती है ना, जो टीम यहाँ पे टॉस जीती है उसको आप सेलेक्ट कर लो एज ए स्ट्रॉन्ग टीम। जैसे कि मानते हैं कि भाई बर्मिंघम फोनेक्स ही टॉस जीत गई है तो यहाँ पे इसको स्ट्रॉन्ग कर दो। अभी टॉस हुआ नहीं है, जैसे टॉस होता है तो टॉस की कंडीशन भी आप अप्लाई कर दिया करो। फिर यहाँ पे अभी टॉस नहीं हुआ है और यहाँ पे अपन करते हैं नंबर ऑफ टीम यहाँ पे 11 टीम बना लो दोस्तों, ठीक है। तो ये क्या होगी, यहाँ पे ज़्यादातर प्लेयर है ना बर्मिंघम फोनेक्स से ज़्यादा पिक किए जाएंगे, है ना, ट्रेंट रॉकेट्स के कम ही प्लेयर पिक किए जाएंगे। और वहाँ पे आप यदि आपको प्रॉपर कॉम्बिनेशन चाहिए, अब मैंने कहा था कि भाई 84 से लेकर 86 के बीच में आपको टीम बनानी है और मैंने बर्मिंघम मैंने बताया कि आपको 84 की टीम बनानी है, तो वहाँ पे आओगे क्रेडिट में और वहाँ पे आप लिखोगे 84 की ही टीम चाहिए। अब जितने भी 11 टीम अपने बनाई है उनमें से जितने भी 84 की टीम है ना वो ऑटोमेटिक फिल्टर हो जाएगी। तो मात्र दो टीम ऐसी जो कि 84 की बनी हुई है, बची हुई जो टीम है ना डिफरेंट क्रेडिट पे वो आपकी बनी है दोस्तों, ठीक है। तो यही चीज़ थी आपकी स्मार्ट सेंस की। और ग्रैंड लीग में कुछ नहीं करना तो ग्रैंड लीग में आओ, डायरेक्ट आप टीम बना सकते हो। बात होती है एडवांस सेक्शन में, आपको पता है कि यहाँ पे ना लॉजिकली कॉम्बिनेशन कैप्टन वाइस कैप्टन कितने क्रेडिट और 6-5-7 वगैरह कॉम्बिनेशन परसेंटेज सेक्शन जितने भी फैंटेसी के अंदर चीज़ें हैं ना वो सारी यहाँ पे एडवांस सेक्शन के अंदर आपको मिलती है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे अपने कैप्टन रहेंगे दोस्तों डेविड मिलान, बेन डकेट और विल स्मिथ दोस्तों, ठीक है। और कोलिन मुंद्रो को ट्राई कर लो, कोलिन मुंद्रो बेन डकेट और विल स्मिथ। और ऑलराउंडर सेक्शन में से दोस्तों यहाँ पे बात करें, ऑलराउंडर में कोई नहीं है, रिचर्डसन, एडम मिनले और यहाँ पे लुकवुड। और वाइस कैप्टन की बात करें टी के सी है और यहाँ पे विल स्मिथ है दोस्तों। और ऑलराउंडर में से आपके बेनी होवेल है, लुइस ग्रोवरी है और बॉलिंग साइड में टॉम हेलम है दोस्तों, ठीक है। इनको आप वीसी कर दो। और यहाँ पे देखो मैं मान रहा हूँ कि बर्मिंघम फोनेक्स का होम ग्राउंड है तो वो टीम अच्छा करेगी। यहाँ पे 6-6-5 का ट्राई करेंगे और 6-5-7-4 परसेंटेज का ट्राई करेंगे। देखो इसमें दो पैटर्न आपके लिए अवेलेबल है, आप पैटर्न 2 भी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन पैटर्न 2 से आपके पैटर्न फर्स्ट थोड़ा स्लाइटली ईजी रहता है प्रेडिक्ट करने के लिए, है ना। मतलब कि 7 या 6 प्लेयर आते हैं हाई सिलेक्शन के और लो सिलेक्शन के 4 या 5 आते हैं तो उसके भी आपसे टीम बन जाती है दोस्तों, ठीक है। और 84 से 86 का मैंने आपको बताया था, 84 से 86 कॉम्बिनेशन बने थे अपना 2-3-3-1-4-3-3, ये अपने दो कॉम्बिनेशन थे दोस्तों। यहाँ नंबर ऑफ टीम यहाँ पे अपन 15 टीम बनाते हैं दोस्तों। और यहाँ पे देखो दोस्तों सारी टीम बन चुकी है, यहाँ पे 6 प्लेयर आपके बर्मिंघम में मिलेंगे और 5 प्लेयर मिलेंगे ट्रेंट रॉकेट्स के दोस्तों, ठीक है। कई टीमों में एलेक्स हेल्स ड्रॉप होंगे, कई टीमों में पिक किए जाएंगे दोस्तों, ठीक है। आप ऐसा कॉम्बिनेशन भी अप्लाई कर सकते हो दोस्तों, जैसे कि भाई मेरे को ना, जैसे कि आप बर्मिंघम फोनेक्स को फेवर करियो तो बर्मिंघम के लिए जैसे कि मानते हैं कि भाई इनके ओपन पावर प्ले बॉलर कौन है, रिचर्डसन है ना, और एक आपके टॉम हेलम है दोस्तों, ठीक है। और एडम मिलने मान लो दोस्तों, ठीक है। ये तो जो दो बॉलर है ना ये पावर प्ले के अंदर बॉलिंग करेंगे तो आप इनको पिक कर लो, भाई मेरे को ये टीम हर प्लेयर ये दोनों प्लेयर है ना हर टीम में चाहिए, तो वो टीम आपके सामने मिल जाएगी। उसके अंदर क्या होगा कि कई टीम में तो ओपनर हो जाएंगे और कई टीम में ओपनर नहीं होंगे दोस्तों, ठीक है। मेजरली यहाँ पे आपको क्या करना चाहिए कि आपको ऐसे प्लेयर को पिक करना चाहिए जो कि पावर प्ले प्लस डेथ ओवर दोनों फेस के अंदर बॉलिंग कराते हैं, क्योंकि वहाँ पर कभी कभार क्या होता है, जैसे कि आपने देखा होगा फर्स्ट T20 मैच में अर्षदेव सिंह को पावर प्ले के अंदर विकेट नहीं मिले थे लेकिन डेथ ओवर के अंदर 2 विकेट निकाल लिए थे। वही कंडीशन होती है कि कभी कभार उसी बॉलर को डेथ ओवर के अंदर विकेट मिल जाते हैं, पावर प्ले के अंदर विकेट नहीं मिलते दोस्तों, ठीक है। तो ये तो देखो दोस्तों जिसके अंदर रिचर्डसन और हेलम आपको हर टीम में मिलेंगे, जैसे कि एडम मिलने और रिचर्डसन, सॉरी दोस्तों 5 टीम थी तो ये चीज़ फिल्टर हो गई है। तो ऐसे आप फिल्टर अप्लाई करके टीम बना सकते हो। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो, और ना तो आप शेयर करते हो ना ही कमेंट करते हो ना ही लाइक करते हो, जो वीडियो देखते हैं 100-150 जन देखते हैं देख के चले जाते हैं दोस्तों, ये आपके ऊपर डिपेंड है ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद जय भारत।